नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थ सारथी, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थ सारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आप सभी के समक्ष एक बार पुनः हाजिर हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम सभी जानेंगे कि प्रसिद्धीय विद्यालयों में संशोधित वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित आदेश जारी हो गया है। इस आदेश को सविस्तार हम सभी देखेंगे और समझेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा क्या आदेश दिया गया है और इस आदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि कुछ प्रमुख बिंदु आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेंगे, जैसे परीक्षा की तिथियों में क्या संशोधन हुआ है, मूल्यांकन की प्रक्रिया अब विद्यालय, नोडल, संकुल और विकासखंड स्तर पर होनी है, जो कि संशोधन में बताया गया है, उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन है और रिपोर्ट कार्ड है उसके रखरखाव से संबंधित जो अनिवार्य कार्य है वह विद्यालय को करना है, कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, इस सारी सूचनाएं आपको इस आदेश में दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आदेश को देखना और समझना। साथियों, यह रहा आदेश जो कि दिनांक 15/2/2024 को जारी हुआ है, जिसमें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यह जो लेटर है इस पर आगे आप लोग इस पर कार्यवाही अपने स्तर अनुसार करें। तो इस जो लेटर में आपको बताया गया है, देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के संबंध में निर्देश इसके पूर्व में दिए गए थे, लेकिन उसमें संशोधन करते हुए यह नई समय सारणी संपादित की जाएगी, जिसको आप सभी को अनुपालन करवाना है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिनांक 16, 18, 19, 20 और 21 की तारीख में मार्च में पेपर होने हैं, जो कि प्रथम और द्वितीय पाली में होगा, और मुख्य परीक्षा और सभी जो लिखित परीक्षाएं हैं उनका विवरण दिनांक और पाली वाइज इसमें आपको सारणी में दिया गया है, जिसे आप देखकर बच्चों को नोट करवा देंगे। अब आते हैं प्रमुख बिंदुओं पर जिनमें हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें इसे करवाना है। इसमें जो बिंदु अगला है वह है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जो है लिखित या मौखिक, उसका जो निर्माण है वह जनपद स्तर पर संबंधित जनपद के विषय के द्वारा संस्तुति करते हुए डायट के द्वारा बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि बीओ द्वारा जो प्रश्न पत्र है उसको विद्यालय स्तर पर 14 मार्च तक वितरित कर दिया जाएगा। कक्षा एक की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी, कक्षा दो और तीन में लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों होगी। लिखित और मौखिक परीक्षा का अधिभार अर्थात जो विभाजन है वह 50-50% रखा जाएगा। कक्षा चार और पाँच में लिखित और मौखिक परीक्षा का जो विभाजन होगा वह 70-30% रखा जाएगा। 6-8 तक की सारी परीक्षाएं लिखित रूप से होंगी। शैक्षिक सत्र 2023-24 में लिखित परीक्षा जो है वह 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सम्मिलित होंगे। प्रश्न पत्र को 50 अंकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 10 अंक के और अतिलघुत्तरीय प्रश्न 10 अंक के, लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक के और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 10 अंक के होंगे। कक्षा दो एवं तीन में अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे वह एक शब्द में, लघुत्तरीय अधिकतम 10 शब्द, दीर्घोत्तरीय अधिकतम 20 शब्द में। इसी प्रकार से कक्षा चार एवं पाँच में अतिलघुत्तरीय प्रश्न एक शब्द, लघुत्तरीय अधिकतम 25 शब्द में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न अधिकतम 40 शब्द। इसी प्रकार से 6-8 तक में अतिलघुत्तरीय एक शब्द में होंगे, लघुत्तरीय 35 शब्द में और दीर्घोत्तरीय प्रश्न अधिकतम 75 शब्द के होंगे। तो इन दायरों को रखते हुए प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा। अगले बिंदु में देखते हैं कि जो वार्षिक परीक्षा में लिखित परीक्षा की जो अवधि होगी वह 2.5 घंटे की होगी और जो मौखिक परीक्षा की अवधि होगी वह प्रधानाध्यापक के द्वारा निर्देशित की जाएगी, आवश्यकता अनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न पत्र जो है उसका जो लेवल होगा पेपर टाइपिंग का वो 56 GSM और 85% जो ब्राइटनेस मुद्रण होगा, इस प्रकार से इसका होना है। आकार वगैरह सभी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वह आपको इसमें दिए गए हैं किस प्रकार से करवाना है, जो कि वहाँ से BSA के लिए यह निर्देशित किया गया है, जिसमें हमें जानकारी नहीं रखनी है।
कुल मिला के अब हमें 11वीं बिंद से जो प्रमुख हैं हम सभी को जानने के लिए कि कक्षा 1, 2, 3 और 4 और 6 और 7 की जो वार्षिक परीक्षा की पुस्तिका है उसका जो मूल्यांकन होगा वह विद्यालय स्तर पर अध्यापकों द्वारा किया जाएगा, परंतु कक्षा 5 की जो वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ होंगी उनका मूल्यांकन जो संकुल न्याय पंचायत स्तर पर कराया जाएगा। मूल्यांकन का कार्य जो होगा वह संकुल के अंतर्गत स्थित अन्य विद्यालय के अध्यापकों से कराया जाएगा। 8 की जो वार्षिक परीक्षा होगी उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विकास खंड स्तर पर अर्थात बीआरसी स्तर पर करवाया जाएगा और इसके अंतर्गत जो बीआरसी के अंतर्गत जो भी संकुल के अध्यापकों से करवाया जाएगा। ये मूल्यांकन का जो कार्य है वह परीक्षा के साथ साथ किया जाएगा। मूल्यांकन के उपरांत परीक्षा फल घोषित किया जाएगा जिसमें विषयवार अंक अंकित करते हुए परीक्षा फल तैयार किया जाएगा और परीक्षा फल के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाकर छात्र छात्राओं को 31 मार्च को वितरित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो परीक्षा फल रिपोर्ट कार्ड है उसे वितरण उसका 31 मार्च को होगा। वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के किसी भी छात्र छात्रा की कक्षोन्नति अर्थात उसे फेल नहीं किया जाएगा, कक्षोन्नति रोकी नहीं जाएगी। वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन से संबंधित जो भी अभिलेख हैं प्रश्न पत्र हुआ उत्तर पुस्तिकाएँ हुई उसकी जो प्राप्ति है वितरण है उसे रजिस्टर पर एवं अन्य जो सभी आवश्यक अभिलेख हैं वह विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगी जिसका मैंने आपको उल्लेख आप जो थंबनेल है उस पर भी आपको शॉर्ट में बता दिया था। परीक्षा फल घोषित करने के दिन आपको छात्र अभिभावक के साथ एक बैठक आयोजित करनी है और उनमें मूल्यांकित जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उनको छात्र छात्रा को और अभिभावक को दिखाना है और उसी समय बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी दे देना है। तो कुछ ये जो नियमावली बनाई गई है उसके तहत अब इस वर्ष कार्य किए जाएंगे जो कि सभी बेसिक को निर्देशित किया गया है। इस सत्र में जो वार्षिक परीक्षा होगी उसका पूर्ण दायित्व तो विद्यालय स्तर पर संबंधित प्रधानाध्यापक बीआरसी स्तर पर बीओ का जनपद स्तर पर बीएसए का होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता होती है तो संबंधित को उत्तरदायी होना पड़ेगा और समस्त जो कार्यवाही है समय के अंतर्गत सुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराना सुनिश्चित करना है ऐसा सभी का उत्तरदायित्व। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें 6 से 8 के लिए यह प्रारूप होगा और इसके नीचे कक्षा 2 से 3 के लिए इस प्रकार का प्रारूप होगा और 4 से 5 के लिए कुछ इस प्रकार से प्रारूप होंगे। तो इन प्रारूपों को दिया गया है कि आप इस प्रकार से ही पेपर का जो मुद्रण है वह करवाइए और जिससे कि स्तरानुसार बच्चों को पेपर प्राप्त हों। तो इस प्रकार से जो प्रमुख बिंदु रहे आदेश के उनको हम आपको समझाने का प्रयास किए। आशा करते हैं आपको यह सभी जानकारियाँ उपयोगी सिद्ध होंगी और आपको वार्षिक परीक्षा कराने में उनका मूल्यांकन करने में यह सभी दिशा निर्देश आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आप अपने सभी अन्य साथियों तक पहुंचाएं जिससे कि वह भी इससे सजग हो सके और इसकी जानकारी प्राप्त करके इसका उपयोग अच्छे से कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।